हिंदू धर्म में पूजा पाठ के अलावा कुंडली और राशि का भी विशेष महत्व होता है। यहाँ राशि और कुंडली के आधार पर हम काफी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, जिंदगी में हर किसी की चाहत सुकून से जीवन जीने की होती है। हर किसी की चाहत पैसा, दौलत, इज्जत और शोहरत कमाने की होती है। जीवन में खुशियाँ सभी को चाहिए होती है। सुकून भरा जीवन जीना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन यह सब हमारे हाथ में नहीं होता है। इन सब के लिए हमारे कुंडली के ग्रह होते हैं और उन्हीं ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिनका सीधा जुड़ाव हमारे सामान्य जीवन से होता है। अब साल का सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है, जिसमें इन दो राशि की किस्मत का भंडार खुलने वाला है। इन दो राशियों का भाग्य चमकने वाला है। चलिए आपको बताते हैं उन दो राशियों के बारे में। धनु राशि, आपको बता दें, साल के इस राजयोग में माता लक्ष्मी का हाथ इनके सिर पर होगा। यह राशि सुकून से जीवन जिएगी, कोई भी समस्या इनके साथ नहीं रहेगी। आपका मानसिक व्यवहार अच्छा रहेगा। कोई भी नया काम करने से पहले जल्दबाजी ना करें, इसके लिए अधिक सोच विचार करें, वरना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। कार्यभार ज्यादा रहेगा, जिससे आपको ज्यादा धन लाभ होगा, संतान प्राप्ति भी हो सकती है। मकर राशि, मकर राशि के जातक अब साल के इस राजयोग में काफी ज्यादा फायदा लेने वाले हैं। यह लोग अब मजे से अपना जीवन काटेंगे। इनके जीवन के सभी काम बनते चले जाएंगे। इसके साथ ही ऑफिस व्यवसायिक क्षेत्रों में भी आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी बाहर वाले व्यक्ति से नोक झोंक ना करें, गुस्से पर काबू रखें। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।